महज 26 साल की उम्र में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हमीरपुर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की 1 जनवरी को शहीदी दिवस कार्यक्रम के लिए 514 AAD रेजिमेंट से जवानों ने हमीरपुर आकर शहीद के परिजनों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का जिम्मा संभाला है। इसी के चलते शहीद के नाम पर बनाए गए स्थलों जिसमें शहीदी पार्क चौराहे पर बनाए गए स्मारक की साफ सफाई के साथ रंग रोगन का भी काम सेना के जवानों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की याद में जिला प्रशासन के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। 514 AAD रेजिमेंट से आए हुए सूबेदार श्रीमंता बोस ने बताया कि हर साल की तरह रेजिमेंट से जवानों के साथ हमीरपुर आए हुए हैं और शहीद मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिसके चलते ही शहीद के नाम के स्मारक और पार्क को संवारा गया है। उन्होंने बताया कि शहीद की याद में 1 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां करने के लिए रेजिमेंट से जवान आए हुए हैं। हम 514 AD रेजिमेंट SP से आए हैं 1 JSO 3 MARS, जो हमारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की समारोह होता है, उनके हर साल हम वहाँ से यूनिट से आते, तो उनका जो भी मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा बहुत यूनिट की तरफ से हम हर बार आते हैं, तो इस बार भी उसी तरह हम आए हैं। तो हमारे 1 तारीख को एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में हम थोड़ा उसमें मिलेंगे, और उसमें हमारा जो सिलेक्टिंग प्रोग्राम होता है तो खास करके उसी प्रोग्राम के लिए हर साल आते, इस बार भी हम उसी तरह आए हैं। यहाँ अभी हम थोड़ा जो इनका भी स्टैचू साहब के नाम पर जो यहाँ चौराहे में लगा हुआ है उसको थोड़ा हम एरिया का मेंटेनेंस करवा रहे हैं। इसके बाद जो वहाँ साहब का नाम पे जो पार्क बना वहाँ भी थोड़ा मेंटेनेंस करवाएंगे, तो वो काम हमारा हर साल यूनिट से डिटेल होते हैं। बाकी जो नॉर्मल यहाँ प्रशासन की तरफ से होता है उसके बारे में हमें उतना जानकारी नहीं है, मगर यहाँ हम हर साल पिछले साल से भी मतलब कंटिन्यू हमारा चलते जा रहा है, तो इस साल भी हम उसी तरह आए हैं, तो ये चलता रहेगा हमारा। सर, क्या लगता है आपको कि जो शहीद है उनके जो स्टैचू है और बाकी फैमिली सरकार कितनी उनके लिए देख रेख करती है? इसके बारे में तो मुझे पूरा क्लियर डिटेल पता नहीं, मतलब होना चाहिए, सरकार की तरफ से हर चीज़ होना चाहिए। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है सूबेदार श्रीमंता घोष। इसके बारे में तो मुझे पूरा क्लियर डिटेल पता नहीं, मतलब होना चाहिए, सरकार की तरफ से हर चीज़ होना चाहिए। वहीं इसी रेजिमेंट से आए हुए जवान हवलदार प्रकाश सिंह ने बताया कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस के लिए हमीरपुर आए हुए हैं और रेजिमेंट से 5 जवानों के द्वारा शहीदी पार्क की सफाई के अलावा स्मारक की देखरेख व रंग रोगन किया है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में मालार्पण करने के बाद वापस रेजिमेंट में जाएंगे। हम कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीद स्मारक दिवस पर 1 तारीख को साहब की शहीद स्मारक जयंती है, हम उसके वो मालार्पण के लिए आए हैं। हमारे कंपनी से एक सूबेदार साहब है और एक हौलदार साहब है और 2 सिपाही है। यहाँ पे क्या-क्या काम किया आपने? अभी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, 1 तारीख को सुबह 9 बजे हम माला अर्पण करेंगे साहब को। गौरतलब है कि महज 26 साल की उम्र में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हमीरपुर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा ने 1 जनवरी 2004 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में शहादत का जाम पिया था। शहादत के बाद सेना ने मृदुल शर्मा को गैलेट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। हर साल 514 AAD रेजिमेंट के जवानों के द्वारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस से पहले हमीरपुर आकर परिवार का कुशल क्षेम लिया जाता है, तो शहीद की याद में बनाए गए शहीदी पार्क और स्मारक की भी साफ सफाई के अलावा देखरेख की जाती है, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में भी सेना के इस लगाव की जमकर प्रशंसा की जा रही है।